डीजल चोरी करने वाले गिरोह के मंसूबों पर पानी फेरते हुए लगभग 17 लाख कीमत का डीजल बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी प्रियांशु भिंडिया द्वारा पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग की जा रही थी। रात्रि 2:30 बजे के लगभग पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि बीना कानपुर लाइन के अज्ञात चोर डीजल चोरी कर ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उन्होंने तत्काल छापेमारी कर डीजल से भरा हुआ ट्रक बरामद किया है। पुलिस को देखकर आरोपी घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन और भिंडिया के नेतृत्व में लगातार मिलती कामयाबी पर लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की। लिधुरा से स्वयं गुप्ता की रिपोर्ट। हुआ है अभी का दिनांक 20-21 के दरमियानी रात करीबन 2-3 बजे की बात है। मुखबिर द्वारा थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ईसोन के पास में जो बीना रिफाइनरी से कानपुर के लिए डीजल पाइपलाइन निकली है अंडरग्राउंड, वहाँ से गड्ढा खोदकर डीजल पाइपलाइन से टैंकर में चोरी से डीजल भरकर ले जाने की फिराक में, जो उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, परंतु जो डीजल टैंकर वहां भरा हुआ था उसे चेक किया, जिसके अंदर करीब 17,000 लीटर डीजल भरा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये है, जिसको मौके पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 का मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश अभी जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।